लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है जो तय समय के हिसाब से खत्म भी हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया है। कुछ वोटों के गणित तो कुछ रुझानों पर तो कुछ जातिगत समीकरण को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं और अपने विचार लिख रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भारी पड़ गए। देश भर में हो रहे चुनाव में नेता, पार्टी, कार्यकर्ता, उम्मीदवार जनता के दरवाजे पर घूम रहे हैं और बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच देश भर में दो बड़ी सियासी पार्टियों के नेता नरेंद्र मोदी, बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश भर में घूम रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। देश की जनता दोनों नेताओं को सुनती है और दोनों को एक दूसरे से कंपेयर भी करती है कि कौन किससे बेहतर है और कौन आगे निकल रहा है और कौन कितना पिछड़ रहा है। आज हम आपको एक बात बता रहे हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग के समय प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर रैली करने के मामले में भारी पड़ रहे हैं और राहुल गांधी से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां 11 राज्यों में रैलियों को संबोधित किया है, तो वहीं राहुल गांधी ने 9 राज्यों का दौरा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी 10 राज्यों का दौरा कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। पीएम मोदी ने 11 राज्यों में 20 रैलियों को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने अभी तक 9 राज्यों में जाकर अपने उम्मीदवार के लिए 17 जनसभाओं को संबोधित किया है। और अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने 13 रैली और 3 रोड शो के जरिए अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 राज्यों में 14 रैलियों को संबोधित किया है। विवादित बयान देने के कारण चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर आदित्यनाथ की कई रैलियां रद्द कर दी गई थी। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो इन्होंने यूपी के बाहर प्रचार नहीं किया और राज्य में अपने और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए 3 रैलियों को संबोधित किया। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो इनके ऊपर भी चुनाव आयोग का चाबुक चल चुका है, तो मायावती ने मात्र 1 रैली को ही संबोधित किया है। तो कुल मिलाकर इस बात से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी रैली करने में भी सब पर भारी पड़ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि मोदी सिर्फ इस मामले में आगे हैं, तो गलत होगा। चुनाव में हर मामले में बीजेपी और बीजेपी के नेता दूसरी पार्टियों पर 20 साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि 23 मई को जब जनता के आशीर्वाद का दिन आएगा, तो वो आशीर्वाद किस पार्टी को मिलता है। लेकिन लीड लेने के मामले में बीजेपी और मोदी ने राहुल गांधी और देश के अन्य नेताओं को फिलहाल काफी पीछे छोड़ दिया है। आपने 5 वर्ष की मजबूत सरकार का भी काम देखा है और आप एक मजबूत सरकार का काम अभी यहाँ कर्नाटका में अनुभव कर रहे हैं। मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, और मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो बेंगलुरु को देखो। बीते 1 वर्ष से यहाँ नेताओं का जो नाटक चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और ये नाटक भी ऐसा है जिसमें इमोशन है, रिवेंज है, और इमोशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। क्या आपने ऐसे ही कर्नाटक के बारे में सोचा था क्या? ऐसे ही कर्नाटक के बारे में सोचा था क्या? अरे फिर जम करके बताओ ना।
इस नाटक के चक्कर में कर्नाटक में विकास के काम पूरी तरह ठप रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसान की कर्ज माफी का क्या हुआ? क्या हुआ? सिंचाई की योजनाओं का क्या हुआ? सूखा राहत का क्या हुआ? गन्ना किसानों की तो चिंता करने की फुर्सत ही यहाँ की सरकार को नहीं है। साथियों, कांग्रेस को ऐसी ही मजबूत सरकार पसंद आती है, ऐसे ही मजबूत मुख्यमंत्री और उनको पसंद आते हैं और उनको प्रधानमंत्री भी ऐसा ही मजबूत बिठाना है। मजबूत मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री और नेता घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं और उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार का भविष्य लंबा नहीं है और इसलिए उनको लगता है कि जितना माल 5 साल में मारना चाहिए वो जितना जल्दी हो मार लो, पता नहीं घर कब से चले जाएंगे। आपका काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि आपके हक के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। साथियों, खोखले वादे वाली भ्रष्ट सरकार और मजबूत इरादों वाली ईमानदार सरकार में अंतर क्या होता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 2014 में अपनी बड़ी उपलब्धि ये बताई थी कि उन्होंने एक साल में हर परिवार को 12 सिलेंडर दिए, गैस के 12 सिलेंडर दिए, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो बताते थे। कांग्रेस ने ये भी वादा किया था वो गरीब परिवारों को पर्याप्त मिट्टी का तेल देंगे। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार ने क्या किया, फर्क पता चलेगा आपको। वे 12 सिलेंडर में अटके थे और एक चौकीदार ने क्या किया, जिन गरीब दलित वंचित पिछड़ी बहनों को ये पर्याप्त मिट्टी का तेल देना चाहता था उनको इस प्रधान सेवक ने एलपीजी गैस का सिलेंडर मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया। बागलकोट बीजापुर सहित कर्नाटक की 26 लाख से अधिक गरीब परिवारों को उनके किचन में आज एलपीजी पर खाना पक रहा है। इतना ही नहीं, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए जितने भी सिलेंडर चाहिए वो समय पर आपको आज मिल रहे हैं। ये फर्क होता है सही नियत और बद नियत वाली सरकारों के बीच। साथियों, इसी तरह मजबूत इरादों वाली दमदार सरकार और डरने वाली मजबूर सरकार का अंतर भी आपको मैं बता दूं। 2009 में मुंबई के आतंकी हमले के बाद चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने तब अपने डकोसला पत्र में
उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला ना, वो ढकोसला पत्र है और कुछ नहीं है। तब उन्होंने अपने ढकोसला पत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या बताई थी, आप भी भूल गए होंगे, कांग्रेस वाले भी भूल गए होंगे, और मीडिया के कुछ मित्रों को तो कांग्रेस के लिए कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती है या तैयारी नहीं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अपनी उपलब्धि बताई थी कि उन्होंने यानी मुंबई के बम धमाकों की बात करता हूं, ताज के अंदर सैकड़ों लोगों को मार देने की इतनी भयंकर घटना के बाद कांग्रेस पार्टी क्या लिख रही है वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि धमाकों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल है। इतनी सी बात को कांग्रेस ने अपनी बहुत बड़ी सिद्धि माना था, बहुत बड़ी जीत बताया था। अब बताइए, पाकिस्तान ने माना कि आतंकी उसके है और उसके बाद फिर दंके की चोट पर धमाका कराता रहा, भारत को ही न्यूक्लियर बम की धमकी देता रहा। भाई और बहनों, कांग्रेस की मजबूर सरकार के दौरान पाकिस्तान खुलेआम कहता था कि ये उनके जिहादी है, कर लो क्या कर सकते हो,